तो आज 12 तारीख को हम पशुपति महानाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, सामने मंदिर है पशुपतिनाथ जी का। अभी हम दर्शन करने जाएंगे सभी मित्र। सामने मुख्य मंदिर है पशुपतिनाथ जी का। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। नंदी जी आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। बस यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य है ये पूरा पशुपतिनाथ जी के प्रांगण का। यहाँ पर भी वही। तो अभी हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए और बाहर ये कबूतर को सब जगह लोग दाना डालते यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो आज हम काठमांडू से होटल मैरियट से संदीप सर के साथ निकलते हुए, हाँ, फेयरफील्ड सिस्टर कंसर्न ऑफ मैरियट्स ना, निकल रहे हैं हम पोखरा कार के साथ में। और वहाँ के बारे में भी आपको शॉर्ट जानकारी इस व्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। सर लेट्स गो। ओके लेट्स गो। तो अभी हम पोखरा की ओर आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ इस गाड़ी के ड्राइवर है श्रेयस जी। आपको भी हम फ्रेम में ले रहे हैं ताकि याद कर सके बाद में। Yes guys, how are you feeling? Fine. तो now वहाँ के आपको छोटे छोटे क्लिप्स के साथ दिखाते रहेंगे। ये काठमांडू की सड़कों से हम गुजरते हुए और यहाँ से रुख कर रहे हैं सीधे पोखरा की ओर। ये मेमोरी हम इसलिए भी रिकॉर्ड करते हैं कि कुछ साल बाद जब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप जुड़े रहें। तो अभी बीच में हम भागीरथ होटल मारवाड़ी के यहाँ रुके हैं और संदीप जी की तरफ से बहुत शानदार एक घर जैसा खाना खिलाया गया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदीप जी है, आप मुस्कुराहट देख सकते हो। और ये यादें हम इसलिए भी इकट्ठे कर रहे हैं, कभी आप देखो ना तो जब भी इस रास्ते से गुजरो तो यहाँ खाना ज़रूर खाए। खाने के साथ में आपका प्रेम भी मिक्स है और जय श्री राम का नारा भी मिक्स है। मिलते हैं आगे। सो गाइज, हम होटल ग्रैंड में पहुँच चुके हैं और यहाँ रूम लिया है। रात की लगभग 10 बज चुकी हैं और पोखरा एक बहुत फेमस जगह है और एक अच्छी प्रॉपर्टी है। देखते हैं, ये देवेन है और देवेन कह रहा है कि रूम साइज इज़ गुड। एक अच्छा रूम लिया है हमने और कोशिश करेंगे हम कल आपको व्यूज़ दिखाएं। हाय गाइस, तो अभी संदीप सर के साथ हम उठे हैं और जस्ट मॉर्निंग गॉसिप कर रहे हैं टी कॉफी के साथ में। सर कौन से होटल है थोड़ा सा आप बताएं आज के इस स्टे के बारे में। पोखरा ग्रैंड होटल है, द ओनली 5-स्टार होटल इन पोखरा। बहुत ही बढ़िया सुंदर होटल है। काठमांडू से हम चलकर आए हैं लगभग 200 किलोमीटर। रास्ते में बहुत ही भयंकर और सुंदर दृश्य थे, प्रकृति का आनंद। हिमालय की गोद में आपको हम एक व्यू दिखाते हैं हमारी बालकनी से। ये देखिए, ये खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ आते हैं उनको ये जो शहर है, ये जो जगह है, एक जन्नत का फील देता है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। शॉर्ट क्लिप्स के द्वारा आपको इस व्लॉग के माध्यम से पूरा पोखरा घुमाने का हम प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए। सुबह सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के लिए संदीप सर के साथ होटल के बाहर वाले स्विमिंग पूल कम बगीचे में लुफ्त उठाते हुए आप भी लुफ्त लेते रहें, देखते रहें। तो पोखरा का आज का सबसे पहला डेस्टिनेशन है, क्या है? डेविस फॉल। लेट्स गेट इन। क्या है स्पेशल? तो इधर से एंट्री मारता है, इधर टिकट विंडो है, कितना टिकट है पूछते हैं और अंदर क्या क्या है देखते हैं। ये पूरा बर्फ दिख रहा है, ये बर्फ ना ही है, ये पूरा बर्फ का डिजाइन है और ये पूरा डेविस पार्क है, ब्यूटीफुल पार्क। यहीं से देखिए आप,
ये सारे कॉइन्स है ना. ओ माई गॉड, सो मेनी कॉइन्स. एंजॉय द लुक ऑफ द कॉइन्स. कीप मूविंग, लेट्स गो. ये डेविस फॉल है, देखते हैं. दिस इज डेविस फॉल. वाओ. सो गाइस, कैसा लगा आपको भी दिखा रहा हूं मैं पूरा पोखरा का एक एक स्पॉट. सो गाइस, ये है डेविस पार्क. आप आए तो विजिट करें, फोटो क्लिक करने के लिए अच्छा है. नेचुरल ब्यूटी भी है और आर्टिफिशियल ब्यूटी भी है. ये पोखरा की सामने खूबसूरत वादियों के बीच में मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव गुफा द्वार. यहाँ पे केव है, गुफा है. चलिए दिखाते हैं क्या है अंदर. लेट्स गो. हिमांशी रन. This is the Gupteshwar cave. Gufa, way to go into the cave. Wow, this is a beautiful place. Gupteshwar. Yes, आते रहें आप. यहाँ से टिकट की एंट्री है और हम टिकट के साथ आगे बढ़ेंगे. इसके बाद केव के अंदर जाते हुए स्टेयर्स बनी हुई है और केव नीचे है वहाँ पे. चलिए लेट्स गो. बहुत सारी भगवान की मूर्तियों के साथ खूबसूरत रूप दे रखा है इस पूरे केव का अंदर तक. वाह. नाउ वी एंटर द केव. ये बिल्कुल जमीन के लगभग 100-150 फीट के अंदर हम आगे बढ़ते हुए. हाय पब्लिक. हाय फाय. हाय हाय. हाय. नहीं नहीं, ओम नमः शिवाय. हाय. लगेगा. वॉइस नहीं आई आपको, बताइए. यस, नहीं आ रही वॉइस. तो ये पूरी गुप्तेश्वर महादेव की केव कहते हैं इसको. लगभग 250-300 फीट गहराई में है. आगे मंदिर, जो मेन मुख्य प्राकृतिक मूर्ति है, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए वो तो हम नहीं बताएंगे. लेकिन ये आज का दूसरा डेस्टिनेशन था. घुमाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ. ये केव है, इससे आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. एक बार और ऊपर से आपको दृश्य दिखा देता हूँ गुप्तेश्वर महादेव गुफा का. ये जो सामने दिख रहा है, इसके भी अंदर लगभग उसके बाद 200 फीट है. तो आज का तीसरा डेस्टिनेशन है फेवा लेक. ये भी विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं. देखें, आनंद लें. ग्रीन ब्यूटी. तो बोट लिया हमने 1600 रुपीस का और यहाँ से हम अंदर एक मंदिर है उसमें जाएंगे और उसके बाद हम
ये टिकट है टोटल 1600 नेपाली, मीन्स 1000 रुपीस इंडियन करेंसी। फास्ट बोट भी है, आप पीछे देखिए, लोगों ने अलग 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 विदेशी लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। सोचा हम फास्ट है, लेकिन फास्ट जीवन में वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता झील के साथ, झील के अंदर तैरती हुई चीजें, झील के किनारे दिखते हुए वो वृक्ष के हरियाली, पहाड़ों की हरियाली, ये जो खूबसूरत नज़ारा है ये बोट के अंदर ही महसूस कर पाते हैं। इसलिए हमने कोशिश करी फास्ट बोट को हम न लेके ये वाली पेडल बोट हमने यहाँ से हायर किया है। एक घंटे का सफ़र बता रहे हैं हम, बढ़ रहे हैं उस तरफ, आप धीरे धीरे देखेंगे इतनी सारी बोट हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम खुद झीलों की शहर उदयपुर से आते हैं, वहाँ पर भी ऐसी खूबसूरत झीलें हैं, लेकिन जो आनंद आ रहा है यहाँ पे, वो आनंद की अनुभूति हमें उदयपुर की झीलों की याद ताज़ा कर रही है। जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, और यदि आपको भी महसूस करवा पा रहा हूँ मैं आपको किस जगह के आप वहाँ बैठे महसूस कर पा रहे, तो कमेंट सेक्शन में विचार रखते रहिए। ये बहुत ही प्राकृतिक अद्भुत अविश्वसनीय। तो अंदर का फोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है। श्री ताल वाराही भगवती मंदिर है, भगवान वराह की पत्नी भगवान भगवती माता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और ये लेक के बीच में है, दिखा नहीं सकते आपको। तो ये मंदिर हैं सामने, अंदर जाना अलाउड नहीं है, हम बाहर से आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री ताल बाराही मंदिर। और ये भगवान विष्णु के वराह अवतार में, ताल वराह इसलिए कहते हैं कि जल से उत्पन्न हुए थे भगवान, तो माता जी माँ भगवती जी का मंदिर है इस छोटे से टापू पर, इस फेवा लेक के अंदर। आप देखें कबूतर दाना चुगते हुए, ये लेक का नज़ारा, सामने सनराइज पॉइंट है। सभी लोग बोट के द्वारा रिटर्न होते हुए, तो ये आज का हमारा तीसरा स्पॉट आपको भी दिखाते हुए, ये छोटे से टापू के ऊपर माता जी का मंदिर आपको दिखाया था, पूरी लेक। एक बार वो लास्ट जाते जाते ये विहंगम दृश्य सेवा लेक का आप देख लीजिए। देवेन जन्मा आपको हाय कर रहा है। तो आज का हमारा चौथा स्पॉट है दूध गंगा, शायद दूध जैसा पानी है इसलिए इसका नाम दूध गंधन गंगा है। छोटा सा स्पॉट है, लेकिन देखते हैं, विजिट करते हैं क्या खूबसूरती है। शायद पहले से चलता था, इसको बाद में ब्रिज का रूप दिया गया। नीचे तो बहुत गहरा है, लेकिन ये इधर से पानी आ रहा है और इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल कलर दूध जैसा है। तो छोटा सा स्पॉट है ये, पास में है, और आगे चलते हैं आप दिखाते हैं। पानी जहाँ से गिर रहा है ये पूरा लगभग 200 फीट के नीचे है, 200 फीट नीचे। इसको दूध गंगा क्यों कहते हैं, हमको मिले हैं
नेपाल के पोखरा में राम जी। राम जी थोड़ा बताएं इसको दूध गंगा क्यों कहते हैं? ये आया अन्नपूर्णा माउंटेन हिमालय से बर्फ गल के आया, उस बाद में नदी बग रहा है, नदी का पानी ने पहाड़ का चूना पत्थर मट्टी आयुर्वेदी सब चीज घोल घोल के लेके आए नदी ने लेके आए। वो नदी को एक नंबर से सुरंग खन के दो नंबर में निकाला, दो नंबर से नहर बन के तीन नंबर से जाएगा हाइड्रो पावर के लिए, उसका मदानी चलाने के लिए, हाइड्रो पावर का मशीन चलाने के लिए। उसके बाद बिजली उत्पादन होने से बाद में वो पानी जाते हैं पोखरा का सिंचाई के लिए। अच्छा। उसके बाद मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद में पीते हैं, घर बनाते हैं, लुगा धोते हैं, इत्यादि काम करते हैं। तो संक्षिप्त में मैं दोबारा विवरण दे देता हूँ। ये हिमालय के से बर्फ का जो पानी है वो गल कर फिर उसके बाद चूना पत्थर के साथ मिलकर आ रहा है। टनल के माध्यम से इसलिए लिया गया है, सबसे पहले से टरबाइन घुमाकर नेपाल के लिए पोखरा के लिए विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसके बाद वो जो पानी बचता है वो सिंचाई के लिए वापस यहाँ के लोग पीने के लिए काम में लिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो ये चौथा स्पॉट एक टनल का रूप दे रखा है और यहाँ से दूध गंगा को प्रवाहित किया जा रहा है। ये हमारे संदीप सर और पूरा परिवार आते हुए अब, और अब हम निकल रहे हैं। ये छोटा सा स्पॉट था लेकिन आपको इसके भी दर्शन करवाए हैं। आज का पांचवा स्पॉट है म्यूज़ियम, आर्मी के बारे में बहुत सारी यादें संजो के रखी हुई यहाँ पर, तोहफों का भी कलेक्शन रखा हुआ है। बाहर से ही दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पांचवा हमारा पॉइंट है कौन सा, बैट केव। इधर चमगादड़ रहता है, बैट केव आपको दिखाते हैं। चलिए लेट्स गो, मैं खुद ही गाइड हूँ। आई एम योर गाइड, ओके, आई विल गाइड यू, कीप फॉलोइंग मी। ओके, वाओ, इट्स डेंजरस प्लेस, ओह माय गॉड, सिनेमैटिक। तो बैट केव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो केव है जहाँ बैट रहती है। बैट को देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। किसी ने चमगादड़ नहीं देखा हो तो वीडियो के माध्यम से इस बैट केव में हम आपको आसानी से दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर केव थोड़ा और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। बस ये जो केव है ये पूरा एकदम से पूरा एडवेंचरस फील है अंदर। आहा हा, वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस, सो सिंपल। ये ऊपर आप देखिए छत के ऊपर इतनी सारी चमगादड़ ऊपर देख सकते हो सिलसिलेवार तरीके से, ये लास्ट तक वहां तक बैठी हुई है। देखिए आप उल्टी छत पर इतनी सारी चमगादड़, थोक के भाव चमगादड़। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने इनको खुद को एक आलीशान बंगला बना के दिया हो और रॉयल तरीके से चमगादड़ यहाँ रहती है छत उल्टी। अब हमें उधर से जाना है। तो फाइनली इतनी जोखिम भरी जगह से मैं कोशिश करी है, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था एंड लिटिल रिस्की टू। ओह माय गॉड, बंद करना। शी इज़ माय डॉटर हिमांशी, शी हैज़ एक्सेप्टेड टू गो थ्रू दिस बेट केव। सो आर यू स्कैर्ड हिमांशी? नो। ओह वाओ, यू आर अ ब्रेव गर्ल। So this is the exit point, and it's a deep cave. You see, it's a little horrible, dangerous too. So guys, now वो वाली cave थी bat cave और अब हम जा रहे हैं महेंद्र cave. Are you all ready? Yes. Let's go. Here we go. बैठा ठीक है? उधर अलग रास्ते से बाहर निकले। हाँ ठीक।
अच्छा ये आ चुका है ये केव, आप देखिए इसके अंदर जाएंगे। 200 मीटर लंबी बताई जा रही है, लिखा हुआ है मेन गेट महेंद्र केव। वाओ गाइस, आर यू रेडी टू एंटर? यस, सो लेट्स गो नाउ। ये शाइनिंग स्टोन के गणपति जी, गणपति जी ऊपर है। जय गणपति जी। हाँ। बिल्कुल अनुभूति पाताल लोक की महसूस कर रहे हैं। नेचुरल शिवलिंग है ना, नेचुरल शिवलिंग है। उधर भी दिख रहा था ना, शाइनिंग स्टोन है, उतना चमकता है, दिखता है ना। हाँ, शाइनिंग कर रहा है ना, इट इज शाइनिंग। ये शंख गणपति जी और आगे चलो, ये इनको कुछ पथरीली गुफा से देवेन, इतने जोखिम भरे रास्ते से आगे बढ़ते हुए देवेन जन्मा, आर यू ब्रेव बॉय? ओह ओह माय गॉड, देवेन इज रियली अ ब्रेव बॉय। इतनी पथरीली गुफा को पार करते हुए, ओह सो डेंजरस। चलिए अब आ रहा है हमारे ब्रेव बॉय अंश, देन क्रिस्टी, देन हिमांशी, क्रिस्टी और ये भाभी जी आ गए। अब हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पहले ऐसे चली। आइए संदीप सर, बाधा के साथ इस महेंद्र गुफा से बाहर निकलते हुए एग्जिट पॉइंट है। रात का लास्ट डेस्टिनेशन है फन पार्क, बच्चों के लिए है। बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। सो दिखाते हैं आपको आगे फन पार्क। फन पार्क का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, खास करके ये किड्स के लिए हैं। आप किड्स के साथ आएँ, झूले, स्केटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड, गन शॉट, बिलियर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। अभी रात का समय है, 10 o'clock तक ये पार्क खुला रहता है, हमने सोचा ये भी रिकॉर्ड किया जाए। ये सभी बच्चे स्केटिंग का प्रैक्टिस करते हुए